सारे दर्शकों ने दिन जोड़ने की राम राम मौजूद हाँ लजुआड़ा कलाम में 152 डिग्री नीचे आप देख सो विश्व ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं और सरपंच भी यहाँ पर है गांव के सोल्जर क्या कहते हैं आज क्यों इकट्ठा हो रहे हैं भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं के कारण है महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इसमें आप देख सो ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं गाँव का सरपंच भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और क्या इनके मतलब किसे बात का जी न्याय चाहिए अभी तो कोई भी होया भी हमने न्याय चाहिए सब चाहिए कई दिन होगी इस बात में 16 तारीख 17 तारीख 10 दिन हो लिए 10 दिन हो गए पुलिस प्रशासन को सूचित किया आपने कुछ सारे काम कर रखे जी कार्रवाई सारी कर दी कोई न्याय नहीं दे रहा कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई कितने दिन तक पहुंची है पुलिस का भाई सुनाई बंद कर दी पुलिस का गए वो थाने में आप हां गए अंदर गए हमलोग गए कभी नहीं मानते मौजूद है ग्रामीण महिलाएं आपको सरपंच साहब के मामला है पूरी पंचायत मुकेश की मतलब हत्या को आज 10 दिन हो गए हैं गांव मतलब थाना में हम 10-10, 20-20, 50-100, 200-200 आदमी गए हैं दो दिन का टाइम मिल गया 3 दिन का टाइम मिल गया हम बिल्कुल भी मतलब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है पूरा गांव में पूरा आक्रोश बढ़ा हुआ है पूरा गांव आज उठ कर जीन जा रहा है कोई न कोई हम जीन जागा कोई न कोई अपना कड़ा फैसला लेंगे वहां से जब उठ कर आएंगे जब पुलिस हमने न्यू दिखा देगी मुजरिम पकड़ लिए है पूरा गाँव इस भाई के साथ है बिल्कुल निर्दोष था बिल्कुल शरीफ था मतलब इतने शरीफ आदमी की भी हत्या करी जा रही है तो मतलब बचाएगा कौन है ठीक है पूरा हमें मतलब आज वहाँ बैठ के जेल एसपी साहब से मिलेंगे और पूरा कड़ा फैसला लेंगे जो भी हमने रोड जाम करना पड़ो या धरना लगाना पड़ो वापिस जब आएंगे जब हमें न्याय मिलेगा भाई को तो हत्या हुई है उसकी हत्या हुई है बिल्कुल तो कई दिन हो गया 10 दिन हो गए तो पुलिस प्रशासन में जो कार्रवाई करी उससे आप संतुष्ट हैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कोई संतुष्ट नहीं मतलब कार्रवाई पूरी नहीं पुलिस प्रशासन भी कह रहा है भाई लग रहे हैं ब्लाइंड मर्डर है भाई राम राम से पता चलेगा फिर हमने सोचा कहीं साठ गांठ न हो जाए ठीक है न्याय मिलना चाहिए 10 दिन में बॉम्बे कांड होया था सिद्ध के 2 दिन में सब उठा लिए थे हरियाणा से उठा लिए मतलब जहां जहां मुजरिम छुप रहे थे सारे उठा लिए हमारे 10 दिन हो गए कोई अंडरवर्ल्ड का तो बड़ा तो मामला नहीं हो आज पास का यही का मामला है पुलिस प्रशासन उठा नहीं रहा भाई ये मामला तो इस बात गाँव वाले क्या मांग है आपका क्या निर्णय लिया पंचायत ने न्याय चाहिए भाई साहब मिलेंगे अधिकारियों से मिलेंगे हमें संतुष्टि होती है क्या मामला वहां जाकर पता चलेगा मतलब जब तक संतुष्टि नहीं वहीं रहोगे वहीं लगातार भीड़ बढ़ती जा रही क्या थी पूरे गांव के साथ जो गांव का निर्णय होगा वही चलेगा लजवाड़ा कला से जींद की तरफ प्रस्थान कर रही है की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं गाड़ियों में लजवाड़ा कला के ग्रामीण इसमें आप देख सकते हैं जींद की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं एक बड़े काफिले के साथ ग्रामीण इकट्ठा हुए थे फैसला लिया जींद एसपी ऑफिस की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं ग्रामीण काफी संख्या में ट्रैक्टरों और ट्रेलियों के साथ साथ जो वाहन है आप देख सकते हैं उनके अंदर भर भर कर जींद की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और लजवाड़ा कला में हम मौजूद थे
इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप डीएम हरियाणा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? भाई साहब जींदा रहे हैं। क्या मामला जींदा रहे आप किस वजह से? जींदा रहे भाई साहब, एक मर्डर हुआ अपने परिवार में यार, रजवाड़ा कला मुकेश बरेकी का। अच्छा, आज उसमें 9 दिन हो गए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई संतुष्टि नहीं मिली हमने, इसलिए जिला प्रशासन पे हम दूसरी टीम की मांग करेंगे, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होता, सीएम का पेश होंगे। सीएम का पेश होगी? हाँ। तो पूरा गांव का फैसला आया कि पूरा गांव का सरागियों का फैसला? सिर्फ पूरे सात गांव का फैसला ये, और 36 विधायक हमारे साथ है। और क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप है भाई। संदीप भाई था, पर देख को जो बरागी भाई था और उसके जो बताया जा रहा है कि हत्या हुई है, उसके बाद ग्रामीण यहाँ से निकल रहे हैं, लगातार ग्रामीणों का काफिला जींद की तरफ परेशान कर रहा है, आप देख सकते हैं। और लजवाड़ा कला में हम मौजूद थे। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं लजवाड़ा कला से दिनेश दुरानिया।